इफेक्टिव प्रॉपर्टी डीलर, एफिशिएंट प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने? जहां भी आपने काम करना है, एरिया ऑफ ऑपरेशन है जो भी आपका, वहां का प्रॉपर सर्वे करना बहुत जरूरी है। नंबर दो, मेक ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सेल। ग्राहक ढूंढने के लिए आप किसी तरीके की एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। आपको जब आपके पास कोई आदमी का फोन आता है तो उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है। इनवाइट कस्टमर टू विजिट, जब आपने उसके कागज पत्र देख लिए, सारा कुछ ठीक है, प्रॉपर्टी भी आपने विजिट करी है। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत। और आज का जो वीडियो है, ये इफेक्टिव प्रॉपर्टी डीलर, एफिशिएंट प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर्टी एजेंट, इफेक्टिव प्रॉपर्टी एजेंट या कामयाब प्रॉपर्टी एजेंट बन सके। सो सबसे पहले मैंने लिखा है सर्वे ऑफ प्रॉपर्टी। जहां भी आपने काम करना है, एरिया ऑफ ऑपरेशन है जो भी आपका, वहां का प्रॉपर सर्वे करना बहुत जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम की एक जो किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें भी उसने थोरो एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, जो पहली क्वालिटी है उसकी। थोरो एनालिसिस का मतलब भी यही है, प्रॉपर सर्वे करना प्रॉपर्टी का, ताकि आपके पास रेट का कंपैरिजन आ सके। रेट का कंपैरिजन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि रियल स्टेट का फार्मूला जो है CCM, कैलकुलेशन, दूसरा कंपैरिजन ऑफ रेट और तीसरा मैनिपुलेशन, ये तीन शब्दों के ऊपर ही रियल स्टेट का पूरा बिजनेस का दारोमदार है। तो ये करना बहुत जरूरी है, इसलिए सर्वे ऑफ प्रॉपर्टी करोगे तभी आपका रेट कंपैरिजन हो सकेगा, और जब आपका रेट कंपैरिजन होगा तब आप आगे जाके इफेक्टिवली काम कर सकते हो। नंबर दो, मेक ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सेल। जिस इलाके में आपने काम शुरू करना है उसकी सभी की लिस्ट बनानी आपके लिए बहुत जरूरी है। लिस्ट बना के रखो, फिर उसके रेट चेक करो कि कौन सी प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, कौन सी प्रॉपर्टी महंगी है, या कौन सी प्रॉपर्टी है जो बुक करी जा सकती है या इन्वेस्टर को दी जा सकती है या तो आप खुद ले सकते हो। तो ये तभी आएगा जब आपका सर्वे प्रॉपर हुआ होगा, तो फिर आपके लिस्ट बन गई। लिस्ट के बाद फिर आपके पास आपको ग्राहक ढूंढने हैं। जब पहले ये आगे ग्राहक ढूंढने के लिए आप किसी तरीके की एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, कहीं भी अपना पोर्टल बना के आप कर सकते हो। जहां भी हम जब शुरू किया था, हमने तो अखबार में हम ऐड देते थे प्रॉपर्टी फॉर सेल, तो आप भी प्रॉपर्टी फॉर सेल अखबार में भी दे सकते हो। इस तरीके से आपको कस्टमर मिल जाएगा फिर। तो नंबर तीन, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर। आपको जब आपके पास कोई आदमी का फोन आता है तो उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कस्टमर आपका पोटेंशियल कस्टमर है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी कस्टमर जो आपके लिए डील मैच्योर करने के लिए मतलब जरूरी है, या डील मैच्योर करने के लिए कौन सा कस्टमर जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इसका मतलब ये है, आपने आइडेंटिफाई करना है उनको और उसके ऊपर ही प्रॉपर ध्यान देना है, उसी को प्रॉपर फॉलोअप करना है। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि आपने उसको सुबह शाम फोन करते रहना है। सुबह शाम फोन करना भी कई बार गलत हो जाता है, लेकिन जब जरूरत हो तभी उसको फोन करना है, और जब वो कंफर्टेबल हो उससे टाइम लेके उसको फोन करूं तो ज्यादा बेटर है। जैसे अभी मैंने कोई कॉल की और उसे पूछ लिया कि अगली कॉल मैं सर आपको कब कर सकता हूं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या दोपहर के बाद, जब भी उसको कंफर्टेबल हो तो तब उसको फोन करना। तो आइडेंटिफाई, जब पोटेंशियल कस्टमर आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो आपकी डील मैच्योर होने में टाइम नहीं लगेगा, आप डील को बहुत जल्दी क्लोज कर लोगे। तो चौथा है डीलिंग विद सेलर। जब डीलिंग विद सेलर का मतलब है, जब यदि आपके पास सेलर है, बेचने वाला है, तो उसको आपने कागजों समेत बुलाना है आपके पास। जो भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास, टाइटल है, जो कब्जा है, जो भी है, हर एक तरीके का उसके पास मंगा के देखना है, चेक करना है, सर्वे करना है, और हो सके तो उसकी फोटोकॉपी लेके अपने ऑफिस में रिकॉर्ड के तौर पर रख लेनी है, ताकि आपके पास जब इसका बायर आएगा, जब इसका परचेजर आएगा, तब आप ये प्रॉपर्टी उसको दिखा पाओगे कागजों समेत। जब कागज आपके पास होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़िया हो जाता है, और सामने वाला बंदा भी जो परचेजर बन के आपके सामने आया वो भी बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है। अगली है इनवाइट कस्टमर टू विजिट। जब आपने उसके कागज पत्र देख लिए, सारा कुछ ठीक है, प्रॉपर्टी भी आपने विजिट करी है, तो परचेजर को फिर बुलाओ कि प्रॉपर्टी विजिट करानी है उसको, प्रॉपर्टी विजिट कराओ अच्छे तरीके से, हर एंगल से। वहाँ पर जो जो प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या रोड बन रही है, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सा गवर्नमेंट का ऑफिस आ रहा है, वहाँ पर अपने हर चीज़ के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी आपको दिखा देना है उसको
परचेजर को विजिट करते समय। और छठा है मीट द कस्टमर फुली इक्विप्ड। जब भी आप सेलर को या परचेजर को मिलते हो तो आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फुली इक्विप्ड का मतलब ये नहीं कि आपके पास हथियार होने चाहिए, आपके पास हर एंगल से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि परचेजर का पता नहीं कौन सा सवाल आपको कर ले प्रॉपर्टी को लेकर। प्रॉपर्टी को लेकर यदि आपके पास सारे एंगलों से जवाब है तो डेफिनेटली आपका काम बनने वाला है। तो अगला है प्रॉपर नॉलेज ऑफ लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। कोई वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है नहीं, मतलब किसी ने इंडस्ट्री प्लॉट लेना है किसी ने, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब्सिडी है या नहीं है या कब तक किसी में डेवलपमेंट हो जाएगी, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में कोई नई रोड आ रही है तो भी, उसके बाद में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो भी, मतलब हर चीज़ हर पॉलिसी के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में आपके पास जवाब होना चाहिए। सामने वाला बंदा कोई चीज़ पूछता तो आपके पास उसका प्रॉपर जवाब होना चाहिए। अगला है आठवां, नॉलेज ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड रोड। उस इलाके में यदि कोई रोड जा रही है या नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो भी आपको उसका याद ध्यान होना चाहिए। यदि आपके पास ये 8 पॉइंट आप नोट कर लोगे तो आप रियल स्टेट बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो एज ए रियल स्टेट एजेंट। आपको कहीं पैसे की जरूरत नहीं, ये दिमाग में से निकाल दो कि रियल स्टेट एजेंट बनने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टर है, उसको तो पैसे की जरूरत रहती है। जिसके पास, जिसने सिर्फ प्रॉपर्टी का काम एजेंट के पर करना है, उसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं रहती। तो अपने पास बड़े तरीके से हम काम कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो, आपकी बात में दम हो, आपकी कमिटमेंट सही हो, आपकी रिपोर्ट ठीक हो, तो डेफिनेटली आप एक इफेक्टिव रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो और करोड़ों रुपए कमा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।